हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था कि पहले आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होगा या फिर आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का। तो आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद क्लियर हो जाएगा और आप कह पाएंगे कि सबसे पहले कौन सा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो मैं इस वीडियो को आगे स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों से जो कि चैनल पर पहली बार आया, कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन भी ऑन कर ले। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये नोटिस जो कि आरआरबी ने आज ही इशू किया है। तो इस नोटिस जो है ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके की गई है। देखिए, दरअसल रेलवे ग्रुप डी ने अपना एप्लीकेशन स्टेटस 1 महीने पहले जारी किया था, जिसमें कई सारे स्टूडेंट के जो फॉर्म थे वो फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हो गए थे। तो आरआरसी दोबारा उनको मौका दे रही है अपने फोटो और सिग्नेचर को ठीक करने का। तो इसकी जो तारीख है वो आ गई है, ये मतलब आज से ही 17/8/2019 से लेके 23/8 के बीच में ठीक की जाएगी। इसके बाद जो इस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो 31/8/2019 तक, यानी कि इसी महीने के आखिरी तक फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि उनका फॉर्म दोबारा से एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा। कुल मिला के आप इस नोटिस के बाद ये समझ पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके आरआरसी है वो कितनी ज़्यादा क्लियर है और वो चाहती है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द इसका कंडक्ट कराया जाए, इसीलिए तुरंत इस तरह से नोटिफिकेशन जारी करके और फोटो और सिग्नेचर के बारे में स्टूडेंट से डिटेल मांगा जा रही है। यानी कि अगर आप मान के चले तो पिछली बार भी एग्ज़ाम जैसे हुआ था, सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस आया था, फिर फोटो अपडेट और सिग्नेचर करेक्ट करने का ऑप्शन आया था, उसके ठीक 15 या 20 दिन बाद ही जो ग्रुप डी का एग्जाम का डेट था तो वो आ गया था। तो आप ये मान के चलिए कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो आरआरबी एनटीपीसी से पहले होगी और सितंबर मिड या सितंबर या फिर अक्टूबर के शुरुआत में ही आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे और ये दिसंबर तक लगभग कंडक्ट किया जाएगा जैसा कि हमारा सोर्सेस है। और जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है वो या तो इसी साल दिसंबर के आखिरी में शुरू होगी या फिर अगले साल जनवरी में। तो वीडियो में जानकारी कैसे लगी ये आप हमें जरूर बताइएगा और मैं एक और सबूत वीडियो के आखिरी में दे देता हूँ। एक बीजेपी के एक सीनियर लीडर है, वो लोकसभा में भी ये बात कहा था एक कि आरआरबी का जो एग्जाम है वो 1 महीने के अंदर रह गया, ये वीडियो में आप आखिरी में देख पाएंगे। तो फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग जल्दी से जल्दी तैयारी कर पाए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से तैयारी से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मैं इस चैनल पे लाते रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार। पर कुछ छोटी छोटी गलतियां बच्चों की रह गई, कोई फोटो की, कोई साइन की, कोई कैटेगरी भरने में। बच्चों की फीस डिपॉजिट है सर, और मैं इन गलतियों के कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। मेरा सर आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा मैं कि बच्चों को दोबारा से वह मौका दिया जाए। अभी भी 1.5 महीना का समय बचा हुआ है, एग्जाम होने हैं इन बच्चों के, तो पोर्टल को दोबारा खोल के इन गलतियों को